हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज है 13 जनवरी और कल है दोस्तों 14 जनवरी और कल है खिचड़ी। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 15 तारीख को है, कुछ लोग बोल रहे हैं 14 तारीख को है। अब हमारे यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं कि 14 को ही है, हम तो कल ही मनाने वाले हैं दोस्तों। अगर आपके यहाँ क्या है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, एक मेरा बेटा जो है ये रो रहा है, बेचारा दूध पी रहा था और जूता पहन के फिसल के गिर गया और रोने लगा। देखिए, और ये मेरी बीवी है, संभाल तो सकती नहीं है, चिमटा सिमटा लेके देखिए तैयार लड़ने के लिए, एनर्जी आ जाती है। ऐसे तो बेचारी का तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तब तो आवाज ही नहीं निकलता है। और लड़ने के लिए देख रहे हैं चिमटा दिखा रही है एनर्जी। अनाई जब तक का ही ले बाबू। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोल बेटा। हाँ, अभी गिर गया है ना दोस्तों, तो उसको चोट लग गई है, चोट लग गई है जिसकी वजह से। तो कल दोस्तों, कल है हम अरे खिचड़ी, तो जिसके लिए मैं बाकी और से सामान लाया हूँ और कुछ सामान भी लाया हूँ आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, हमारे घर बनाता तो कोई है नहीं, ये रेडीमेड धुंधा, वो तो बाबू का दवा है। और क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊं, ज्यादा नहीं लिया हूं दोस्तों, हम लोग दो ही तीन लोग रहने वाले हैं ना। ये देखिए, एक तिल का है, ये व्हाइट वाला तिल का है, ये वो है। और इसके बाद से ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, ये भी मतलब वही है, सेंगदाना रहता है इसमें, मूंगफली उसको जमा के बनाया हुआ है। और ये वाला देखिए दोस्तों, ये है ब्लैक, काला वाला तिल का है ये। और उसके बाद से इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, क्या है ये है पेठा, आगरा का पेठा, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो यही तो है दोस्तों, गरीब लोगों का खिचड़ी, गरीब लोगों को खिचड़ी बनाना है। कल कहा जाता है, मतलब कल दान दिया जाता है और कल बसंत पंचमी भी कहा जाता है। अरे बसंत पंचमी सॉरी, बसंत पंचमी तो 26 जनवरी से स्टार्ट है। तो कल मतलब अनाज छू के दान दिया जाता है खिचड़ी के दिन, और खिचड़ी बनाया जाता है ये आप लोगों को पता ही होगा। तो कुछ एक दो धुंधा, एक दो तिल, और उसके बाद से थोड़ा सा चावल आटा रख के और उसमें एक आध हल्दी रख के और उसको छू के मतलब पंडित ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, अच्छा रहता है ऐसा कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या होता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। हम देखिए, हमें जितना आता है हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिएगा और बताइएगा जरूर दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।